Hello everyone, welcome to the fourth lecture of lecture series in the topic transmission lines. Today we will derive the general equations of transmission lines. तो इसके लिए हमने एक L length की transmission line consider की हुई है. यहाँ पर आप figure में देख सकते हैं, माना कि इस पूरे transmission line की length L है और यहाँ पर इस side sending end है जहाँ पर वोल्टेज Vs और करंट Is है, और सेंडिंग एंड से x दूरी पर हमने एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर किया है जिसकी लेंथ dx है और ये सेक्शन पॉइंट x और y के बीच में है. और इस x पॉइंट पर जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू है वो v और i है, और y पॉइंट पर जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू है v प्लस dv और i प्लस di है. हालांकि ये dv v प्लस dv नहीं होगा, बल्कि कुछ कम हो जाएगा, वोल्टेज करंट की वैल्यू कुछ कम होगी आगे चलकर सेंडिंग एंड से. तो यहाँ पर डी वी और डी आई निगेटिव में होंगे, जो कि हम आगे देखेंगे भी. अब हम डिस्कस करते हैं इस छोटे से सेक्शन की डी एक्स की, जो कि सेंडिंग एंड से एक्स दूरी पर है. इस छोटे से सेक्शन एक्स का सीरीज इम्पिडेंस जो होगा, डी एक्स का सीरीज इम्पिडेंस वो होगा आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू डी एक्स, क्योंकि डी एक्स लेंथ की बात कर रहे हैं. इसी तरीके से शंट एडमिटेंस जो होगा जी प्लस जी ओमेगा सी इंटू डी एक्स. ठीक, अब हम इस ट्रांसमिशन लाइन के ये दो पॉइंट्स दोनों लिए थे एक्स और वाई, इन दोनों के बीच वोल्टेज डिफरेंस और करंट डिफरेंस एक एक करके अलग अलग निकालेंगे. तो पहले वोल्टेज डिफरेंस निकालते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन एक्स एंड वाई. तो यहाँ पर वी है, यहाँ पर वी प्लस डी वी है, तो इस साइड हो जाएगा वी माइनस वी प्लस डी वी विल बी इक्वल टू यहाँ का टोटल इम्पिडेंस, टोटल वोल्टेज आर प्लस जी ओमेगा एल डी एक्स इंटू आई, क्योंकि आर प्लस जी ओमेगा एल सीरीज इम्पिडेंस है और आई का उसके साथ मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ वी और वी कैंसिल हो जाएंगे, तो डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो होगी माइनस आर प्लस जी ओमेगा एल इंटू आई. दिस इज आर इक्वेशन वन. इसी तरीके से करेंट ड्रॉप के लिए भी निकालेंगे, तो I माइनस आई प्लस डी आई इज इक्वल टू शंट एडमिटेंस इंटू वोल्टेज. तो शंट एडमिटेंस क्या है, जी प्लस जी ओमेगा सी डी एक्स इंटू वी. तो यहाँ से भी आई आई कैंसिल करके डी आई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली है माइनस जी प्लस जी ओमेगा सी इंटू वी. दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन. अब हम एक एक करके इन दोनों इक्वेशन को फिर से डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो पहले इक्वेशन को जब डिफ्रेंशिएट किया तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस आर प्लस जी ओमेगा, ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डी आई अपॉन डी एक्स. अब डी आई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन टू से हमें पता हो, तो इक्वेशन टू से ये वैल्यू यहाँ पर उठाकर हम रख देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस जी ओमेगा एल जी प्लस जी ओमेगा सी इंटू वी. लेकिन हम जानते हैं कि गामा इज इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस जी ओमेगा एल जी प्लस जी ओमेगा सी. गामा प्रोपगेशन कांस्टेंट है, इसको हमने पिछले लेक्चर में इसको डिराइव किया हुआ. तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये है गामा स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर इंटू वी. दिस इज आर थर्ड इक्वेशन. इसी तरीके से हम जब सेकंड वाले क्वेश्चन को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी प्लस जी ओमेगा सी कॉन्स्टेंट हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स. अब डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इक्वेशन वन से रखेंगे, और सिमिलरली जैसे इसको सॉल्व किया वैसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर इंटू आई. यहाँ से हमें तीन और चार ये जो दोनों इक्वेशन मिले हैं, दीज आर द ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस इन डिफरेंशियल फॉर्म. इक्वेशन थ्री एंड फोर आर का ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म. अब इनका हम सोल्यूशन अगर देखेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म में है तो सिंपल कैलकुलस से हम इसका जनरल सोल्यूशन जो देखेंगे तो इसका कुछ इस फॉर्म में होगा. पहले वाली बात करें तो v इज इक्वल टू ए ई टू द पावर गामा एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस गामा एक्स, और i इक्वल टू सी ई टू द पावर गामा एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस गामा एक्स. इसको हमने इक्वेशन 5 माना है, जहाँ पर a b c d ये कोई कॉन्स्टेंट्स है. हमने इक्वेशन 5 को रीराइट किया और उसके बाद हम इस इक्वेशन 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एक बार और. तो डी वी अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर ए कॉन्स्टेंट ई पावर गामा एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो गामा ई पावर गामा एक्स होगा, और यहाँ पर भी गामा ई टू पावर माइनस गामा एक्स होगा, माइनस गामा ई टू पावर माइनस गामा एक्स होगा. तो ई टू पावर यहाँ पर गामा को हम कॉमन ले लेंगे, तो कुछ इस तरीके से आएगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू गामा ए ई टू पावर गामा एक्स माइनस बी ई टू पावर माइनस गामा एक्स.
और इसी तरीके से दूसरे वाले क्वेश्चन को जब करेंगे डिफरेंशिएट तो डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी सॉरी गामा बाहर कॉमा ले लेंगे सी ई टू पावर गामा एक्स माइनस डी ई टू पावर माइनस गामा एक्स। इसको हमने क्वेश्चन 6 कर लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन 6 में डी वी अपॉन डी एक्स और डी आई अपॉन डी एक्स है वही वैल्यू जो पिछली हमने क्वेश्चन 1 और 2 में निकाली थी डी वी अपॉन डी एक्स डी आई अपॉन डी एक्स की वही वैल्यू इसमें एक एक करके पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी अपॉन डी एक्स एंड डी आई अपॉन डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले वाले में अगर हम रखेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल इन टू आई इक्वल टू गामा ए ई टू द पावर गामा एक्स माइनस बी ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। अब यहाँ पर हम जानते हैं गामा की वैल्यू क्या है, गामा है अंडर रूट आर प्लस जी ओमेगा जी प्लस जी ओमेगा सी। गामा की ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आर प्लस जी ओमेगा का एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आई मिलेगा आई विल बी इन द फॉर्म ऑफ माइनस अंडर रूट जी प्लस जी ओमेगा सी, क्योंकि आर प्लस जी ओमेगा कैंसिल हो गया है और नीचे अंडर रूट में आर प्लस जी ओमेगा बचेगा तो माइनस अंडर रूट जी प्लस जी ओमेगा सी अपॉन आर प्लस जी ओमेगा इनटू ये बचा रहेगा ए टू पावर गामा एक्स माइनस बी टू पावर माइनस गामा एक्स। अब आप ये देखिए ये जो टर्म है ये जाना पहचाना टर्म है तो जेड जीरो हम लोग पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। जेड जीरो क्या होता है अंडर रूट आर प्लस जी ओमेगा अपॉन जी प्लस जी ओमेगा सी, ये जस्ट उल्टा है तो ये 1 अपॉन जेड जीरो है तो यहाँ से आई हो जाएगा माइनस 1 अपॉन जेड जीरो ए ई टू द पावर गामा एक्स माइनस बी ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। इसको हमने इक्वेशन 7 कंसिडर किया है। अब इसी तरीके से इक्वेशन 7 के जो डी आई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी रखेंगे इक्वेशन 2 के अंदर तो ये हो जाएगा माइनस जी प्लस जी ओमेगा सी टू वी इक्वल टू गामा सी टू पावर गामा एक्स माइनस डी टू पावर माइनस गामा एक्स। यहाँ से अब वही गामा की वैल्यू हम फिर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा। वी गामा की वैल्यू रखेंगे तो गामा की वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो वी इक्वल टू आएगा माइनस जेड जीरो सी टू पावर माइनस गामा एक्स माइनस ई टू पावर माइनस माइनस डी टू पावर माइनस गामा एक्स। ये हमारे इक्वेशन 8 हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पर एक केस कंसीडर करते हैं। केस ये होगा कि सेंडिंग एंड पर जो हमारा सेंडिंग एंड था तो सेंडिंग एंड पर बात करेंगे तो वहाँ पर x की वैल्यू क्या थी तो सेंडिंग एंड पर x की वैल्यू 0 थी और वोल्टेज कितना था Vs और करंट था Is। तो एट द सेंडिंग एंड x इक्वल टू 0 I इक्वल टू Is एंड V इक्वल टू Vs। अब ये वैल्यू x इक्वल टू 0 I इक्वल टू Is V इक्वल टू Vs ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 ये जो हमारा इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन 5 से हमारा आ जाएगा ए ई टू पावर गामा इंटू एक्स तो एक्स का जीरो रखेंगे तो ई पावर समथिंग 1 हो जाएगा और बी टू पावर माइनस मतलब ई टू पावर 0 और बी टू पावर ई टू पावर कोई भी होगा तो 0 की वैल्यू 1 होती है ए प्लस बी ऊपर मिलेगा वी एस इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसी तरीके से आई इक्वल टू आई एस रखेंगे एक्स इक्वल टू 0 तो हमें यहाँ से मिलेगा सी प्लस डी और यही वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन 7 और 8 में जो हमने कंसिडर किया हुआ है तो यहाँ से आई एस और वी एस की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम इक्वेशन 8 में देखें तो वी एस की वैल्यू आएगी माइनस जेड जीरो सी माइनस डी और आई एस की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1 अपॉन जेड जीरो ए माइनस बी। हमने इसको दोनों को इक्वेशन 9 और 10 बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, यहाँ पर भी 4 वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, इनको सॉल्व किया जा सकता है दोनों इक्वेशंस को। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ए बी सी डी की वैल्यू के लिए सॉल्विंग इक्वेशन 9 एंड 10 फॉर ए बी सी डी तो हमें ए बी सी और डी की ये वैल्यूज मिलेंगी। तो सिंपली क्या है कि इसको हम ये कर सकते हैं कि जेड जीरो को इधर भेज सकते हैं और जेड जीरो यहाँ इस वाले से इस जेड जीरो को यहाँ भेज देंगे तो एक बार ए प्लस बी वाला ए माइनस बी वाले को जोड़ देंगे तो एक वैल्यू मिलेगी, एक बार घटा देंगे तो बी वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से सी और डी वाले में एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो ये दोनों ये चारों वैल्यूज हमें ए बी सी डी की मिल जाएंगी। अब हमें ये चारों वैल्यूज मिल गई हैं और इन चारों वैल्यूज को हम उसी इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे तो ए बी सी डी की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करने पर वी इज इक्वल टू ए ई टू पावर गामा एक्स, एक वैल्यू रख दी ए ई की पावर गामा एक्स प्लस बी ई टू पावर माइनस गामा एक्स। अब यहाँ पर कॉमन है जो वी एस कॉमन ले लेंगे वी एस वाले टर्म में तो यहाँ बचेगा ई टू पावर गामा एक्स प्लस ई टू पावर माइनस गामा एक्स बाई टू और दूसरे वाले में आई एस जेड जीरो कॉमन ले लेंगे माइनस में तो यहाँ बचेगा ई टू पावर गामा एक्स माइनस ई टू पावर माइनस गामा एक्स अपॉन टू। तो ये जो वैल्यू है ई टू पावर गामा एक्स प्लस ई टू पावर माइनस गामा एक्स ये कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स होगा और ई टू पावर गामा एक्स माइनस ई टू पावर माइनस गामा एक्स बाई टू हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स। इससे हमने रिप्लेस कर दिया तो वी की वैल्यू आ गई वी एस कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स माइनस आई एस जेड जीरो साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स।
ये हमारी v की वैल्यू है गई है। अब दूसरा क्वेश्चन 5 के दूसरे में रखेंगे c और d की वैल्यू, तो हमें i की वैल्यू मिल जाएगी। तो c की वैल्यू हम रखते हैं इसी तरीके से, तो v इज इक्वल टू है, सॉरी i इज इक्वल टू है c e टू पावर गामा x, c की वैल्यू रखा e टू पावर गामा x प्लस d e टू पावर माइनस गामा x। अब यहाँ पर पहले वाले में i s कॉमन ले लेंगे तो बचेगा e टू पावर गामा x प्लस e टू पावर माइनस गामा x बाई 2, और दूसरे वाले में माइनस वी एस अपॉन जेड जीरो कॉमन ले लेंगे, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये जो e टू पावर गामा x प्लस e टू पावर माइनस गामा x बाई 2, ये कॉस हाइपरबोलिक गामा x हो जाएगा और ये साइन हाइपरबोलिक गामा x, तो रिप्लेस कर देंगे इससे, तो यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू आई एस कॉस हाइपरबोलिक गामा x माइनस वी एस अपॉन जेड जीरो साइन हाइपरबोलिक गामा x। तो हमारी एक वैल्यू आ गई है ये i की वैल्यू, और अभी पीछे हमने जो निकाला था v की वैल्यू, इसको दोनों को कंबाइंड वे में ही ये v इक्वल टू वी एस कॉस हाइपरबोलिक गामा x माइनस आई एस जेड जीरो साइन हाइपरबोलिक गामा x, इसको हमने इक्वेशन a मान लिया है। और यही जो इक्वेशंस हैं वोल्टेज और करंट की, ये सेंडिंग x के रेफरेंस में, जो सेंडिंग एंड है वहाँ के रेफरेंस में, उससे x डिस्टेंस की दूरी पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेंडिंग एंड के रेफरेंस में क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए वी एस आई एस के वो हमने उसके रेफरेंस में हमने लिया हुआ है, और यहाँ पर x है, x क्या है, x इज द डिस्टेंस ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द सेंडिंग एंड। इसी तरीके से हम रिसीविंग साइड से भी हम देख सकते हैं कि रिसीविंग साइड से क्या होगा। तो रिसीविंग एंड के रेस्पेक्ट में करंट एंड वोल्टेज रिफर टू लोड एंड, तो लोड एंड मतलब रिसीविंग एंड। तो यहाँ पर एक ये हम फिगर देखिए, यहाँ पर हमने ये रेफरेंस लेंगे हम लोड साइड वाले को या रिसीविंग साइड वाले को, जहाँ पर लोड है ZR, इसके अक्रॉस फ्लो होने वाली करंट IR है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेंडिंग एंड से ये रिसीविंग एंड की दूरी x इक्वल टू क्या होगी, L होगी, और यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, मान लीजिए VR है और करंट IR, तो एट रिसीविंग एंड x की वैल्यू L होगी, V इक्वल टू VR होगा और I इक्वल टू IR। अब इक्वेशन 5 को हम वही चीज जो हमने किया हुआ था इक्वेशन 5 में, ये वैल्यूज पुट कर देंगे, x की वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू और IR की वैल्यू। तो इक्वेशन 5 में ये हम रखेंगे, तो यहाँ से मिलेगा वी आर इक्वल टू ए ई टू पावर गामा एल, बस हमने x की जगह l कर दिया है और v की जगह vr कर दिया है, प्लस b ई टू पावर माइनस गामा एल। इसी तरीके से i की जगह IR रख देंगे, तो IR c ई टू पावर गामा एल प्लस t ई टू पावर माइनस गामा एल। और ये हमने रखा हुआ इक्वेशन 5 में, और जैसा कि हमने पीछे रखा था इक्वेशन 7 और 8 में वैल्यूज़, उसी तरीके से हम इक्वेशन 7 एंड 8 में भी वैल्यूज़ रखेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा IR इक्वेशन 7 से, IR इक्वल टू माइनस वन अपॉन जेड जीरो ए ई टू पावर गामा एल माइनस बी ई टू पावर माइनस गामा एल। यहाँ पर इक्वेशन 7 में हमने सिर्फ x की जगह l रखा है और i की जगह IR, जेड जीरो को इधर भेज सकते हैं, माइनस साइन इधर ले लीजिए, तो माइनस IR जेड जीरो इज इक्वल टू ए ई टू पावर गामा एल माइनस बी ई टू पावर माइनस गामा एल। और इसी तरीके से इसे इक्वेशन नंबर 8 में देखेंगे, तो वहाँ पर से सॉल्व करने पर हमें मिलेगा माइनस वी आर अपॉन जेड जीरो इक्वल टू सी ई टू पावर गामा एल माइनस बी ई टू पावर माइनस गामा एल। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको तो वी आर आई आर के ये दो इक्वेशन, और यहाँ पर भी वी आर और आई आर के रेफरेंस में ये दो इक्वेशन मिले हैं, जिसमें चार वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी अननोन वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे ए बी सी डी के लिए, इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे कि एक बार ए और बी के साथ जो है उनको एक बार जोड़ देंगे, तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, और घटा देंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके सी डी वाले में दोनों को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो सी और डी की वैल्यूज कुछ इस तरीके से मिल जाएंगी, जिसमें ए की वैल्यू है वी आर माइनस आई आर जेड जीरो पॉइंट टू ई टू पावर गामा एल, बी की वैल्यू है वी आर प्लस आई आर जेड जीरो पॉइंट टू ई टू पावर माइनस गामा एल, सी की वैल्यू है आई आर माइनस वी आर पॉइंट जेड जीरो टू ई टू पावर गामा एल, और डी की वैल्यू है आई आर प्लस वी आर पॉइंट जेड जीरो अपॉइंट टू ई टू पावर माइनस गामा एल। अब इन वैल्यूज़ को ए बी सी डी जो वैल्यू जाए इस इक्वेशन इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा v इक्वल टू ए ई टू पावर गामा x प्लस बी ई टू पावर माइनस गामा x। तो a और b की वैल्यूज हमने सिंपली पुट कर दी है, और अब यहाँ पर आप देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे, तो एक बार वी आर वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, और एक बार आई आर जेड जीरो वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा वी आर इज इक्वल टू ई टू पावर गामा, ये एक्चुअली ई टू पावर गामा एल नीचे है ऊपर जाएगा, तो ई टू पावर गामा एक्स इंटू ई टू पावर माइनस गामा एल। यहाँ पर माइनस गामा अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस गामा एल माइनस एक्स। तो सिंपली हम इसको कॉमन लिए हैं, तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, जिसमें ये वाला टर्म अगर आप देखिए
तो ये वाला टर्म दिस इज नथिंग बट कॉस गामा एल माइनस एक्स, और ये है कॉस हाइपरबोलिक गामा एल माइनस एक्स, और ये है साइन हाइपरबोलिक गामा एल माइनस एक्स, वो वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो हमें मिलता है वी इज इक्वल टू वी आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एल माइनस एक्स प्लस आई आर जेड क्यूब साइन हाइपरबोलिक गामा एल माइनस एक्स। ये हमें वी की वैल्यू मिले। इसी तरीके से इक्वेशन 5 के आई में भी यही वैल्यूज रखेंगे सी और डी की वैल्यूज, और हमें मिलेगा तो बेसिकली आई क्या था, आई वाज था आई वाज सी ई टू द पावर गामा एक्स प्लस टी ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। तो सी और डी की वैल्यूज यहाँ से जो हमने कैलकुलेट की उसको रखेंगे, आई आर और आई आर के साथ जो कॉमन है आई आर को कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, और इस तरीके से वी आर अपॉन जेड जीरो को वी आर अपॉन जेड जीरो को भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें से ये है कॉस हाइपरबोलिक गामा एल माइनस एक्स और ये है साइन हाइपरबोलिक गामा एल माइनस एक्स। तो यहाँ पर अब आपको जो इक्वेशन मिले हैं वो रिसीविंग एंड के रेफरेंस में है, आई आर है वी आर है आई आर है वी आर है दोनों इक्वेशंस में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों का एल माइनस एक्स है। तो ये एल माइनस एक्स बेसिकली है क्या, अगर आप ये फिगर देखें तो यहाँ पर ये पूरा एल लेंथ का ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें एक्स डिस्टेंस पर हम जो कंसिडर कर रहे हैं किसी एक पॉइंट को सेंडिंग एंड से, तो रिसीविंग एंड से ये डिस्टेंस क्या होगी एल माइनस एक्स। तो ये एल माइनस एक्स को अगर हम एस कंसिडर करें और यहाँ पर हम एल माइनस एक्स को सिंपली एस से रिप्लेस कर दें, तो एस क्या है, एस इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू रिसीविंग एंड। तो ये जो दोनों इक्वेशन है इसमें सिंपली एल माइनस एक्स को हम एस के बराबर रखेंगे, तो पुट एल माइनस एक्स इक्वल टू एस। तो हमें ये जो दोनों इक्वेशन स्टार्टिंग में जो अभी मिले थे पीछे इक्वेशन बी और सी, ये हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से वी इक्वल टू वी आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एस प्लस आई आर जेड जीरो साइन हाइपरबोलिक गामा एस, और आई इक्वल टू आई आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एस प्लस वी आर अपॉन जेड जीरो साइन हाइपरबोलिक गामा एस। यहाँ पर बस सिंपली एस की जगह पिछले इक्वेशन बी और सी में एल माइनस एक्स था। तो यही इक्वेशन हैं विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस साइड और सॉरी लोड साइड के रेफरेंस में, और इसके पहले हमने सोर्स साइड के रेफरेंस में भी वोल्टेज और करंट की वैल्यूज निकाली थी। तो ये थे हमारे ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस और विद रेफरेंस टू द सोर्स एज वेल एज लोड, तो दोनों हमने निकाला। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लेंथ एल टर्मिनेटेड बाय कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जेड जीरो, मतलब अगर कोई हम ट्रांसमिशन लाइन एल लिया है जिसको हमने टर्मिनेट किया उसकी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जेड नॉट्स। तो टर्मिनेशन में हम जानते हैं छोटा सा अगर सेक्शन लिया है तो मान लीजिए वो इसका लेंथ एल है जैसा कि मैंने कंसिडर किया हुआ है, तो एक्स इक्वल टू एल होगा, आउटपुट साइड पर वी इक्वल टू वी आर और आई इक्वल टू आई आर। तो हमने एक इक्वेशन ए ड्राइव की थी विद रेफरेंस टू सोर्स, ये थी आई और वी की वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन विद रेफरेंस टू सोर्स। अब इसमें हम ये वैल्यूज x इक्वल टू एल वी इक्वल टू वी आर और आई इक्वल टू आई आर ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो ये मिलेगा वी आर इज इक्वल टू वी एस कॉस हाइपरबोलिक गामा x की जगह l हो जाएगा माइनस आई एस जेड जीरो साइन हाइपरबोलिक गामा l हो जाएगा। इसी तरीके आई आर विल बी इक्वल टू आई एस कॉस हाइपरबोलिक गामा l माइनस वी एस अपॉन जेड जीरो साइन हाइपरबोलिक गामा l। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद वी आर अपॉन आई आर विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर ये देखिए जेड जीरो को अगर इधर आई एस जेड जीरो हो जाएगा अगर ये गुणा करें और ये जेड जीरो कॉमन हो सकता है, तो जेड जीरो वी एस कॉस हाइपरबोलिक गामा एल माइनस आई एस जेड जीरो साइन हाइपरबोलिक गामा एल, ये ऊपर सेम रहेगा नीचे क्या होगा जेड जीरो रखें तो आई एस जेड जीरो कॉस हाइपरबोलिक गामा एल माइनस वी एस साइन हाइपरबोलिक गामा एल और ये जेड जीरो कॉमन होकर बाहर निकला। लेकिन यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस से टर्मिनेट किया है, तो वी आर अपन आई आर की क्या वैल्यू होगी, वी आर अपन आई आर विल बी नथिंग बट जेड नॉट, तो वी आर फॉन आई आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए जेड नॉट कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो वी एस और आई एस का रिलेशन जो आएगा वी एस अपॉन आई एस ये सिंपली आएगा जेड नॉट के, बट वी एस अपॉन आई एस होता क्या है, वी एस अपॉन आई एस इज नथिंग बट लाइन इंपीडेंस जिसे हम जेड एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जेड एस वी एस अपॉन आई एस जेड एस, तो जेड एस इज इक्वल टू जेड नॉट। इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर होता है कि अगर हम किसी एक फाइनाइट लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन को उसके कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से टर्मिनेट करेंगे तो हमारा जो इनपुट इंपीडेंस होगा वो क्या होगा, वो भी जेड नॉट ही होगा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। इट मींस इफ फाइनाइट लेंथ इज टर्मिनेटेड बाय जेड जीरो इट्स इनपुट इंपीडेंस विल बी जेड जीरो, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। अब इक्वेशन वन के ये आई इक्वल टू आई एस कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स माइनस वी एस अपॉन जेड जीरो साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स, इसमें हम
जेड नॉट की वैल्यू वी एस अपॉन आई एस पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें जो मिलेगा आई इज इक्वल टू आई एस कॉस हाइपरबोलिक गामा एस माइनस जेड नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आई एस साइन हाइपरबोलिक गामा एस, आई एस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स विच इज ई टू पावर माइनस गामा एक्स, तो आई इज इक्वल टू आई एस ई टू पावर माइनस गामा एक्स, इसको इक्वेशन ई बनाया है। इसी तरीके से हम वोल्टेज के लिए भी देखेंगे, तो वोल्टेज में हमने रख दिया है ये वैल्यू है हमारी क्वेश्चन ए से वी इक्वल टू वी एस कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स माइनस आई एस जेड जीरो साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स, हमें क्या करना है जेड जीरो की जगह वी एस अपॉन आई एस रख देना है, तो आई एस आई एस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा वी इक्वल टू वी एस कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स माइनस वी एस साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स, वी एस को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट बचेगा कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स विच इज नथिंग बट ई टू पावर माइनस गामा एक्स, इसको हमने इक्वेशन एफ बना लिया। तो यहाँ ई और एफ ये जो दो इक्वेशन आप दिख रहे हैं, अगर आपको याद हो तो हमने इनफाइनाइट लाइन की बात की थी लेक्चर टू में, जिसमें हमने वी और आई की वैल्यूज निकाली थी, तो वो भी कुछ ऐसी थी। तो इससे क्लियर होता है, आप उससे कंपेरिजन कराइएगा इक्वेशन लेक्चर टू में हमने जो इनफाइनाइट लेंथ सेक्शन की बात, इनफाइनाइट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन की बात की थी, तो उसमें वोल्टेज और करंट की यही वैल्यूज आई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले तो देखिए इक्वेशन ई एंड एफ रिप्रेजेंट द करंट एंड वोल्टेज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंडिंग एंड ऑफ एन इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन, ये वही है। तो इसका मतलब क्या क्लियर होता है, क्लियर ये होता है कि सो अ शॉर्ट लाइन टर्मिनेटेड बाई जेड नॉट, अगर एक शॉर्ट लाइन को हम जेड नॉट से टर्मिनेट कर देंगे इट विल बी हैव लाइक एन इनफाइनाइट लाइन, जो कि हम पहले भी जानते थे। अब हम एक लॉसलेस लाइन के क्वेश्चन देखेंगे, तो लॉसलेस लाइन जैसा कि सामने होता है, तो लॉसलेस लाइन अगर हमारे मन में आता है तो सबसे पहले आता है कि उसमें लॉस नहीं है, लॉस नहीं मतलब अटेन्यूएशन नहीं है, अटेन्यूएशन नहीं मतलब अल्फा की वैल्यू जीरो है। तो लॉसलेस लाइन के केस में अल्फा इक्वल टू जीरो होता है, अल्फा जीरो है तो गामा कितना होगा, गामा हम जानते क्या होता है अल्फा प्लस जे बीटा, तो अल्फा जीरो है तो गामा हो जाएगा जे इंटू बीटा, और इस केस में करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो होगा वो भी रियल होगा प्योर रेजिस्टिव होगा, माना उसकी वैल्यू आर नॉट है। अब हम इक्वेशन डी देखेंगे जो हमने अभी डिराइव किया था, इक्वेशन डी क्या था, ये है जो हमने रिसीविंग एंड से डिराइव किया था, रिसीविंग एंड के रेफरेंस में वोल्टेज और करंट की वैल्यू, अब इसमें यही वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो गामा की जगह रखेंगे जे बीटा, तो गामा इक्वल टू जे बीटा रखने पर वी इज इक्वल टू वी आर कॉस हाइपरबोलिक जे बीटा एस प्लस आई आर, जेड नॉट की जगह क्या हो जाएगा आर जीरो साइन हाइपरबोलिक जे बीटा एस, गामा की जगह जे बीटा और जेड नॉट की जगह आर नॉट, तो यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक जे बीटा एस, तो कॉस हाइपरबोलिक जे बीटा विल बी इक्वल टू कॉस बीटा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, इसी तरीके से साइन हाइपरबोलिक जे बीटा विल बी इक्वल टू जे साइन बीटा, तो यहाँ पर जे हमने बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ से टोटल वी आ जाएगा इक्वल टू वी आर कॉस बीटा एस प्लस जे आई आर आर नॉट साइन बीटा एस, ये वोल्टेज का आ गया। इसी तरीके से करंट के लिए भी सेकंड इक्वेशन लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई आर कॉस हाइपरबोलिक गामा की जगह जे बीटा एस और वी आर अपॉन जेड नॉट की जगह आर नॉट साइन हाइपरबोलिक जे बीटा एस, और इसको सॉल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू आई आर कॉस बीटा एस प्लस जे वी आर अपॉन आर जीरो साइन बीटा एस, दीज आर द टू इक्वेशंस ऑफ वोल्टेज एंड करेंट फॉर अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। अब हम इनपुट इम्पिडेंस देखेंगे, इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, किसी ट्रांसमिशन लाइन का इम्पिडेंस उसके इनपुट टर्मिनल्स पर जो होता है दैट इज इनपुट इम्पिडेंस। तो इनपुट टर्मिनल पर अगर हम बात करेंगे तो इनपुट टर्मिनल पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो इक्वेशन बी एंड सी जो हमने डिराइव किया था वो कुछ इस तरीके से है, ये बी एंड सी क्या है, वो जो रेफरेंस हम लिए थे विद रिस्पेक्ट टू द रिसीविंग साइड, तो यहाँ वोल्टेज और करंट की वैल्यू है, इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इनपुट इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं इट मीन्स इनपुट साइड से, तो इनपुट साइड पर एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो सिंपली एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, तो जीरो पुट करने पर और एक्स की वैल्यू जीरो है तो वी इक्वल टू वी एस होगा और आई इक्वल टू आई एस भी होगा, तो यहाँ से हमें वी एस की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से आई एस की वैल्यू मिल जाएगी, और उन दोनों को एक डिवाइड कर दीजिए, तो वो हो जाएगा वी एस अपॉन आई एस विल बी इक्वल टू इनपुट इम्पिडेंस, यही होता है इनपुट इम्पिडेंस मीन्स इम्पिडेंस एट इनपुट साइड, इनपुट साइड पर वोल्टेज वी एस है करंट आई एस है और एक्स इक्वल टू जीरो है, ये वैल्यूज इसमें रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा वी आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एल प्लस आई आर जेड जीरो साइन हाइपरबोलिक गामा एल, इसी तरीके से यहाँ पर होगा करंट वाले में आई आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एल प्लस वी आर अपॉन जेड जीरो साइन हाइपरबोलिक गामा एल विच विल बी इक्वल टू इनपुट इम्पिडेंस। लेकिन हम जानते हैं कि वी आर इट मीन्स लोड साइड का वोल्टेज विल बी इक्वल टू आई आर रिसीविंग करंट इंटू जेड आर उसका इम्पिडेंस,
तो ये vr की ये वैल्यू जहां जहां है वहां पुट कर देंगे, तो ऊपर तो vr कुछ नहीं है, ऊपर सेम रहेगा, नीचे vr की जगह बस ir z और हो जाएगा अपॉन z नॉट, तो ir कॉमन लेकर के कैंसिल कर लेंगे, तो z in की वैल्यू जो आएगी वो होगी z नॉट ZR cos hyperbolic gamma L plus Z0 sin hyperbolic gamma L, और नीचे क्या होगा, नीचे ये Z0 से अगर गुणा करेंगे तो ये Z0 cos hyperbolic gamma L plus ZR sin hyperbolic gamma L और ये Z0 common में भी निकल आएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगर cos hyperbolic gamma L से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में cos hyperbolic gamma L से डिवाइड कर दें तो हमारा Z in की वैल्यू आ जाएगी Z0, यहाँ पर cos hyperbolic gamma L डिवाइड हो जाएगा तो ये ZR ही बचेगा प्लस Z0, ये tan hyperbolic gamma L हो जाएगा ऊपर, और इस तरीके से नीचे क्या होगा, Z0 कैंसिल हो जाएगा cos और ये हो जाएगा tan hyperbolic gamma L। अब हम वेरिएशन ऑफ इनपुट इम्पिडेंस विद फ्रीक्वेंसी, तो इनपुट इम्पिडेंस कैसे फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करता है ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कैसे वेरी करता है, तो इसके लिए हम दो केसेस लेंगे फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को देखने के लिए। पहला केस हम लेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो उस समय जेड नॉट की क्या वैल्यू होगी, इफ एफ इक्वल टू जी देन ओमेगा विल बी जी, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जानते हैं क्या होता है, आर प्लस जे ओमेगा अपॉन जी प्लस जे ओमेगा, ओमेगा की जीरो वैल्यू रखिए तो ये जाएगा अंडर रूट आर अपॉन जी। इसी तरीके से दूसरा केस लेंगे जब इनफाइनाइट हो गए फ्रीक्वेंसी, तो बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन का देख रहे हैं, तो एफ इक्वल टू जीरो पहले लिए फिर इक्वल टू इनफाइनाइट लेंगे, इनफाइनाइट पर क्या देखेंगे जेड नॉट में, तो इनफाइनाइट अगर रखना है तो हम ओमेगा कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा आर अपॉन ओमेगा जे एल और नीचे जी अपॉन ओमेगा जे सी, तो ओमेगा इनफाइनाइट रखेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा जेड नॉट की वैल्यू अंडर रूट एल अपॉन सी। ओके, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब एफ इक्वल टू जीरो था तो जेड नॉट की वैल्यू अंडर रूट आर अपॉन जी थी, जो कि एफ इक्वल टू इनफाइनाइट पर कितनी हो रही, अंडर रूट एल अपॉन सी, तो ये इसका फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन है जेड नॉट का, जो एफ इक्वल टू जीरो पर अंडर रूट आर अपॉन जी और जो नीचे डिक्रीज होती जा रही है जेड नॉट इक्वल टू अंडर रूट एल अपॉन सी तक एट एफ इक्वल टू इनफाइनाइट, ये हम देख सकते हैं वेरिएशन इसका। नेक्स्ट हम देखेंगे इनपुट इम्पिडेंस के बारे में, तो जब जो एल लेंथ ले रहे हैं अगर एल की वैल्यू जीरो होगी तो इनपुट साइड ही टर्मिनेटिंग साइड हो जाएगा और जो इम्पिडेंस होगा विल बी दैट इनपुट इम्पिडेंस विल बी इज इक्वल टू जेड नॉट, तो यहाँ से तो जब इनपुट जब लेंथ एल जीरो होगी तो इनपुट साइड ही टर्मिनेटिंग साइड होगा, वहाँ पर भी जेड इन की वैल्यू जेड नॉट होगी। इसी तरीके से जब लेंथ इन्फाइनाइट लेंगे तो जाहिर सी बात है इन्फाइनाइट लाइन हो जाएगी जिसका इनपुट इम्पिडेंस खुद जेड जेड जीरो होगा, तो अगर हम देखें तो L इक्वल टू जीरो से लेकर के L इक्वल टू इन्फिनाइट तक ये Z नॉट पर वेरिएशन करता रहता है इसके इनपुट इम्पिडेंस उसी के मीन वैल्यू के अक्रॉस, तो दिस मीन्स दैट विद फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ZS विल ऑसिलेट अराउंड एन एवरेज वैल्यू ऑफ Z नॉट, तो ये Z नॉट के अराउंड ये ZS की वैल्यू ऑसिलेट हो रही है, ये फिगर में आप देख सकते हैं। अब हम एक फाइनाइट सेक्शन की बात करेंगे जिसका इनपुट इम्पिडेंस कितना होगा अगर वो ओपन या शॉर्ट सर्किटेड हो, तो पहले हम एक ओपन सर्किट कंसीडर करते हैं, तो ये एक ओपन सर्किट लाइन बनी हुई है जिसकी लेंथ L है, इनपुट साइड पर वोल्टेज VS करंट IS है, आउटपुट साइड पर कितना वोल्टेज होगा VR होगा और करंट क्या होगी, क्या आउटपुट साइड पर करंट कोई होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट है, और इनपुट साइड से जो इम्पिडेंस देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू ZOC, तो हमने कंसीडर किया है यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को L और आउटपुट साइड पर जो लोड है वो ओपन है, तो हम जानते हैं जेड इन की वैल्यू क्या होती है, जेड इन इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया है अभी जस्ट पीछे इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू, तो यहाँ पर हम सिंपली जेड आर को हमें इनफाइनाइट रखना है क्योंकि ओपन है इट मीन्स इनफाइनाइट इम्पिडेंस है, जाहिर सी बात है अगर ये ओपन सर्किट है तो इनफाइनाइट इम्पिडेंस है आउटपुट साइड पर इनफाइनाइट इम्पिडेंस मतलब जेड आर की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर जेड आर इनफाइनाइट करने के लिए जेड आर कॉमन लेकर के कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा जेड आर ऊपर नीचे कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा यहाँ पर जेड आर जेड नॉट अपॉन जेड आर हो जाएगा, यहाँ पर भी जेड नॉट अपॉन जेड आर, बाकी यहाँ जेड आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जेड आर कैंसिल हो जाएगा, और जब जेड आर की वैल्यू इन्फिनिट रखेंगे तो ये और ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे और जो जेड इन की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू जेड नॉट कॉट हाइपरबोलिक गामा एल, ये हमारा इनपुट इम्पिडेंस होगा और यही इनपुट इम्पिडेंस क्या है जेड ओ सी ओपन सर्किट इम्पिडेंस। इसके बाद हम शॉर्ट सर्किट लाइन की बात करेंगे, शॉर्ट सर्किट मतलब जो शॉर्ट सर्किटेड हो, शॉर्ट सर्किट अगर है तो जेड आर की वैल्यू क्या होगी, जेड आर की वैल्यू जीरो होगी, तो इनपुट इम्पिडेंस
इसका हम फिर वही फॉर्मूले में जेड आर की वैल्यू जीरो रखेंगे, जेड आर की जीरो वैल्यू रखने पर जेड नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, हमारा जेड एस सी जो आएगा जेड शॉर्ट सर्किट दैट विल बी इक्वल टू जेड नॉट टैन हाइपरबोलिक गामा एल, बाकी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें सिर्फ जेड नॉट टैन हाइपरबोलिक गामा एल मिलेगा। अब हम इन जेड ओ सी और जेड एस सी के बीच रिलेशन ड्रा करेंगे, तो हमारा जेड ओ सी कितना आया था जेड नॉट कॉट हाइपरबोलिक गामा एल, और जेड एस सी आया था जेड नॉट टैन हाइपरबोलिक गामा एल। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे जेड ओ सी इंटू जेड एस सी तो जेड नॉट कॉट हाइपरबोलिक गामा एल जेड नॉट टैन हाइपरबोलिक गामा एल, दोनों गुणा करेंगे टैन 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 और कॉट कट जाएगा, जेड नॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो जेड नॉट क्या हो जाएगा अंडर रूट जेड ओ सी अपॉन इंटू जेड एस सी। इसी तरीके से इन दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो जेड एस सी अपॉन जेड ओ सी विल बी इक्वल टू टैन हाइपरबोलिक गामा एल अपॉन कॉट हाइपरबोलिक गामा एल इक्वल टू टैन हाइपरबोलिक गामा स्क्वायर एल। तो टैन हाइपरबोलिक गामा एल की क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर अंडर रूट जेड एस सी अपॉन जेड ओ सी। ये रिलेशन है बिटवीन प्रोपगेशन कांस्टेंट जेड एस सी और जेड ओ सी के बीच, ये रिलेशन है बिटवीन जेड ओ सी जेड एस सी एंड जेड नॉट के बीच। दिस वॉज द एंड ऑफ द लेक्चर, इसके बाद फिफ्थ लेक्चर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का देखेंगे, विच विल बी द फाइनल लेक्चर। अब हम बात करते हैं लॉकडाउन की, जैसा कि आप देख रहे हैं लॉकडाउन इस समय पूरे देश में व्याप्त है, तो लॉकडाउन का पालन करें आप लोग, हाथ बार बार धुलते रहें, खांसते या छींकते समय अपने मुंह को ढक लें और बार बार अपने फेस को टच ना करें। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें, आरोग्य सेतु ऐप सारे बच्चे हमारे डाउनलोड करें। थैंक यू।